किशन सोनपुर गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी कमला भी पूरा साथ देती थी। कमला और किशन दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते और जो पैसे बचते उनसे अगले दिन का सामान खरीदते और बाकी से घर का गुजारा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मियां आने वाली थी। गांव के पास जो और दूसरे बड़े ढाबे और होटल थे उन सब ने अपने ढाबे और होटल में बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा दिए थे ताकि गर्मियों में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इस कारण अब किशन के ढाबे पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। अब ज्यादातर ग्राहक दूसरे ढाबों में ही जाकर खाना खाने लगे। इस कारण किशन की आमदनी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। कमला, अब तो ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। एक भी ग्राहक रोटी खाने के लिए नहीं आता। सबको इसी ढाबों में खाने की आदत हो गई है और वैसे भी गर्मी के मौसम में कौन भला हमारे छोटे से पुराने ढाबे पर खाना खाएगा। सबको एसी की ठंडी हवा में खाना खाना अच्छा लगता है, पर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बड़ा और महंगा एसी लगवा सके। कैसे गुजारा चलेगा कमला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आते तो खाना भी रोजाना का खराब हो रहा है। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं जिनसे सिर्फ एक दाल और रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। किशन भाई, गर्मी में यहाँ बैठकर खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं गलती से बैठ गया, नहीं तो अब तो मैं एसी वाले ठंडे ढाबे में ही खाना खाऊंगा। वहाँ थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं पर आराम से खाना तो खा लेते हैं। लाओ, कितने पैसे हो गए? 50 रुपए। ये लो और इस ढाबे का कुछ करो और साथ में एसी ढाबा करो इसे, नहीं तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। दिन पर दिन किशन और कमला परेशान रहने लगे। अब तो इक्का दुक्का ही ग्राहक उनके ढाबे पर आता। इस कारण किशन ने सिर्फ एक दाल और रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि बाकी चीजें अगर वो बनाए तो ग्राहक नहीं आए तो खराब हो जाएंगी और फिर पैसे भी तो चाहिए। इसी कारण वो जैसे तैसे अपना ढाबा थोड़ा बहुत चला रहा था। कमला, आज बस 250 रुपए की कमाई हुई है, अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। किशन के ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी क्योंकि इस साल ही वहाँ के मालिक रघु ने बहुत ही बढ़िया मरम्मत करवा कर ढाबे में एसी लगवा दिया था। क्या बात है किशन, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया? एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे, अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं दो दो एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। किशन और कमला ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत राशन रखा था जिससे उन्होंने आज का ढाबे का खाना बना लिया था। कमला, ये दाल और रोटी जो बनाई है बस आज की बेच लेते हैं, कल से ताला लगा ही देंगे, कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने जो दाल बची थी वो बना दी है और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी। उस दिन पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता, दाल और तंदूर की रोटियां ऐसी रखी थी। कमला, मुझे लगता है अब कोई नहीं आएगा, रात के 9 बज रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। सामने रघु के ढाबे पर भीड़ लगी हुई है तो भला यहाँ कौन आएगा। तभी किशन देखता है सामने रघु के ढाबे पर एक बहुत ही जरूरतमंद आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कुछ मदद मांग रहा है। भैया, मेरी मदद करो, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है, हम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया, हमारी गाड़ी, मोबाइल, पर्स, कैश, जेवर सब लूट कर ले गए। हम शहर जा रहे थे, हमें नहीं पता कि इस रास्ते पर बदमाश हमें लूट लेंगे। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रोक लूं। चलो जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे क्या पता, कोई चोर उचक्के लुटेरे हो तुम, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। ओ छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढाबे का शटर गिरा दे, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है, बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। अरे अरे, सुनो तो भैया, भैया सुनो तो। सुनो जी, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा कहीं से पानी ले लो। किशन और कमला उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को देख रहे थे। किशन दौड़कर उनके पास जाता है। भैया जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे ढाबे पर चलो। आइए बहन जी, आप मेरे साथ आइए। किशन और कमला उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को अपने ढाबे पर ले जाते हैं। साहब, ये दाल और रोटी आप खा लो, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। पता नहीं, हम तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे थे, जंगल का रास्ता था और पता ही नहीं चला कि कब इन बदमाशों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। किसी तरह से उनसे रहम की भीख मांगकर मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा कर लाया। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बस मैं तो कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ सामने के ढाबे से मदद मांग रहा था, पर उन्होंने तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही मुझे मना कर दिया। मैं अगर आज कुछ देर वहाँ रुकता तो अगले दिन अपने नौकर के हाथ पैसे भिजवा देता। तुम बहुत भले हो, तुमने भी तो बिना जाने पहचाने आज हमारी मदद कर दी। अच्छा तो तुम ये ढाबा चलाते हो? साहब, चलाता तो हूँ, पर आज मेरा इस ढाबे पर आखिरी दिन था, मैं इस ढाबे को बंद कर रहा था। शायद आपकी किस्मत में आज मेरे ढाबे की रोटी खाना लिखा था। किशन अपना सारा दुख उस व्यक्ति को बताता है। चिंता मत करो भाई, अब तुम्हें इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ
मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक औलाद की कमी थी, वो भी भगवान ने हमारी झोली में खुशियां देकर पूरी कर दी। आज मेरी पत्नी की तुमने बहुत मदद की है, अब उसकी तबीयत में भी सुधार है और हम पति पत्नी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे, इससे बड़ी और क्या बात होगी। सुषमा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कमला ने मेरी बहुत देखभाल की है, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब मैं सफर कर सकती हूँ। किशन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ, तुम्हारे इस ढाबे को एसी ढाबा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। किशन और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था, उन्होंने किसी मजबूर की सहायता की तो भगवान ने उनकी सहायता की। कुछ दिनों बाद जब वीरेंद्र सिंह लौटता है तो उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था, उसकी पत्नी के बेटा हुआ था। बेटा होने की खुशी जानकर कमला और किशन भी बहुत खुश होते हैं। वीरेंद्र सिंह अपने खर्चे से किशन और कमला को एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा एसी ढाबा बना कर देता है, जो फुली एयर कंडीशनर था। किशन का ढाबा किसी बड़े 5-स्टार होटल से कम नहीं था, अब तो ग्राहकों की भीड़ उस ढाबे पर आने लगी। ढाबा देखने में बहुत सुंदर था। किशन ने गांव के और भी मजबूर लोगों को अपने ढाबे में नौकरी दी। किशन का ढाबा दिन के साथ साथ रात में भी खुला रहता था, ताकि हाईवे से आने जाने वाले लोगों को किसी भी बात की परेशानी ना हो। गरीबों के लिए उस ढाबे पर मुफ्त खाना था। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ अक्सर किशन के ढाबे पर आ जाता था। आज किशन के कारण ही वीरेंद्र सिंह का परिवार सकुशल था, और वीरेंद्र सिंह ने भी किशन के लिए जो किया वो किसी बड़े उपकार से कम नहीं था। तभी तो कहते हैं कि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, इसलिए हमें सदैव मजबूर लोगों की सहायता करनी चाहिए।